अगर किसी जातक के चार्ट में सूर्य बुध और मंगल की अगर युति बनती हो तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, सूर्य बुध और मंगल की युति में यहाँ पर दो फायरी प्लैनेट हैं और एक यहाँ पर है बुध। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा इनमें से बीच में कौन सा प्लैनेट है। अगर मान लीजिए बुध सूर्य और मंगल के बीच में आ जाते हैं तो आपकी स्पीच की एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। कभी कभी आपको वाणी से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यू सकते हैं। अब दोनों ही प्लैनेट जो कि सूर्य और मंगल हैं काफी ज्यादा फायरी हैं, ऐसे में आपका ईगो हर्ट होगा बहुत बार, तो आपको रिलेशनशिप वगैरह में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, आपके रिलेटिव्स के साथ दिक्कतें आएंगी, आपके भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ और फादर का जो काम है, फादर की जो रेपुटेशन है, उसको भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके जो फादर हैं काफ़ी क्रिएटिव रहे हों, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हों, उनका कोई ऐसा फील्ड काम कर रहा हो जहां पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो, जहां पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए, इस प्रकार के काम में वो हो सकते हैं। अब सूर्य मंगल और बुध जब युति करते हैं किसी भी चार्ट में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका खुद का भी जो स्पीच है वो 30s के बाद ज़्यादा प्रभावी होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा। तो आप थोड़े से ईगो वाले होंगे, ईगो वाले होने के साथ साथ आपका जो अंदर का मन है वो बहुत कुछ अपने आप से भी एक्सपेक्ट करेगा और दूसरे से भी एक्सपेक्ट करेगा। ऐसे में आपकी एक्सपेक्टेशन जहाँ भी कम रहती है या जहाँ भी वो पूरी नहीं होती, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। इसके अलावा आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। अब सूर्य और मंगल इस युति में क्योंकि दोनों साथ रहेंगे तो इनका ही प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे में आपके बुध पर इनका प्रभाव पड़ेगा। और कभी कभी अगर इनका प्रभाव नेगेटिव रूप से पड़ रहा हो बुध पर, तो फिर आप बहुत ही जल्दबाजी में कोई ना कोई काम करेंगे या जल्दबाजी में आप अपना निर्णय लेंगे, जिससे आपका काम अटकेगा या आपका काम खराब हो जाएगा। तो ऐसी युति में जब भी आप कहीं कोई विचार कर रहे हैं या कोई सोचने के लिए आप कहीं बैठे हैं, तो जल्दबाजी कभी भी ना करें। जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लेते हैं आपका निर्णय गलत जा सकता है। इसके अलावा स्पीच में भी आप काफ़ी बार इस युति में जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आपका जो स्पीच है काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है इस युति की वजह से, लेकिन जो मार्स एक फायरी एनर्जी जो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और सूर्य उनका साथ देंगे यहां पर, इस वजह से आप कभी कभी ऐसे होता होगा जब कुछ बोलना कुछ चाहते हैं और निकलता कुछ और ही है मुंह से, तो यह भी एक प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। साथ ही कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, अंदर से काफ़ी उबाल आता होगा, और कभी कभी स्पीच के मामले में भी ऐसा होता होगा कि आप बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाते और आपकी बोली तुरंत निकल जाती है किसी भी मामले में। या फिर ऐसा भी होगा कभी कभी जब आप दो व्यक्तियों के झगड़े के बीच में बहुत ज़बरदस्ती आप पड़ेंगे और वहाँ पर आपको नुकसान होगा। तो एक तरफ देखा जाए तो सूर्य बुध और मंगल की युति आप में काफ़ी ज़्यादा ईगो तो वो डेवलप करती है, फायरी एनर्जी तो आप में डेवलप करती है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, आपके सोचने समझने का, काम करने का तरीका काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब यहाँ मंगल साथ हैं, इस वजह से ऐसे जातक अगर कुछ भी लिखेंगे, अगर वो अच्छे लेखक होंगे, तो उनकी जो लेखनी है वो भी कुछ इस प्रकार से चलेगी कि आप कोई बात बोलेंगे, लिखकर बोलेंगे, तो उससे कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, आपके अक्सर आप विवादों में रहेंगे अपने बयानों की वजह से। तो कुछ हद तक यहाँ पर आपकी वाणी पर और आपके सोचने समझने के, आपके लिखने के तरीके पर इनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। अब इस युति में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपना जो है ध्यान जरूर रखें, और यहाँ पर आप जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे कामों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, या इवन आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे और बहुत ज़्यादा घबराएंगे नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ईगो नहीं दिखाएंगे, तो कुछ हद तक आप इस युति से बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब इस युति में आप कौन कौन से फील्ड में काम कर सकते हैं, इस प्रकार की युति जब हो तो आपको ऐसे कार्य पसंद आएंगे या ऐसे कार्य सूट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता हो, जहाँ पर कोई बहुत गहरी जांच पड़ताल काफ़ी तेज़ी से करनी पड़ती हो, साथ ही साथ कभी कभी आपको क्विक एक्शन लेना होता हो कहीं कहीं, तो ऐसे मामलों में ये युति आपका साथ देगी।
लेकिन अगर रिलेशनशिप के मामले में अगर हम इसको देखें या पढ़ने लिखने सीखने के मामले में देखें तो ये काफ़ी फास्ट एक्टिव रूप से काम करेगी ये युति। इस वजह से आपके रिलेशनशिप कभी कभी बिगड़ सकते हैं, आपके डोमेस्टिक और आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं। बट देखा जाए तो यहाँ पर आप जितना अच्छे से इस युति को यूज कर सकते हैं, जितना पॉजिटिव तरीके से इस युति को यूज कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। और यहाँ पर क्योंकि बुध भी साथ हैं तो आपकी जो मेंटल स्किल है, आपकी जो सोचने समझने का तरीका है, आपका जो नज़रिया है, इस युति का प्रभाव उन पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इस वजह से आप अपना नज़रिया बदल कर भी इस युति के बहुत सारे अच्छे फायदे ले सकते हैं। अब आपको इस युति में ये देखना पड़ेगा क्या वास्तव में सूर्य बुध और मंगल के बीच में आ रहे हैं, या फिर मंगल सूर्य और बुध के बीच में आ रहे हैं, या फिर बुध बीच में आ रहे हैं, तो फिर इनकी जो डिग्री वाइज जो बल है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ये कौन से भाव में बन रही है। तो अक्सर इस युति के जो प्रभाव है आपको काफ़ी सकारात्मक ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर केस में, बट अगर नकारात्मक देखने को मिलते हैं तो फिर आपको ईगो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। जिस भाव में ये युति बन रही होगी उस भाव से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं उनमें आपको ईगो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा ये युति आपके सोचने समझने काम करने के तरीके को काफ़ी फास्ट करती है, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस युति में वो बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी इस युति में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ आप मार्स की जो एनर्जी है, मार्स की एनर्जी को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आप ज़रूर देखें। तो आपके जिस भी भाव में ये युति बन रही होगी आपको काफ़ी कुछ देगी, लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं।